नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग में एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं। बड़े फैसले इस मायने में कि जो जो फैसले लिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से, के पाठक की ओर से, वो तमाम फैसले विवादों में आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस पर राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। आज भी कई ऐसे बड़े फैसले हुए। शिक्षा विभाग ने 100 ऐसे शिक्षकों पे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों उन्होंने कैलेंडर जो जारी किया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उस पर टीका टिप्पणी की। इसी मुद्दे पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार को भी नोटिस कर दिया, यानी शिक्षकों के अलावा शिक्षक नेता पर भी अब एक्शन होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ MLC संजय सिंह पर भी एक्शन हुआ है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं। इससे पहले भी कई ऐसे फैसले लिए गए, बड़े फैसले थे जो चर्चा में आए, कुछ विवादों में आए और राजनीतिक तौर पर उस पर बहस भी शुरू हो गई। अब क्यों इतने बड़े बड़े फैसलों की जरूरत आज के डेट में पड़ रही है, क्यों ये विवाद का कारण बन रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में है। विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी से अनामिका सिंह है और शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में शैलेंद्र शर्मा जी हैं। सबसे पहले असित नाथ तिवारी जी, आपसे, इतने बड़े बड़े एक के बाद एक शिक्षा विभाग में फैसले हो रहे हैं, शायद अभी बिहार सरकार के कोप में कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो इतनी चर्चा में होगा, और ऐसे फैसले हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंग ले रहे हैं, क्यों आखिर इस तरह के फैसले हो क्यों रहे हैं कि जिस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है? देखिए, मैं इसके दो आयाम देख रहा हूँ। पहला आयाम तो देख रहा हूँ कि ये सच है कि KK पाठक जी के प्रयासों से और शिक्षा व्यवस्था में आशातीत सुधार दिख रहा है। आप ग्राम समाज में, आम समाज में जब लोगों से बात कीजिएगा तो लोग उनके कई कदमों की बड़ी सराहना कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक दिख रहे हैं, छात्र दिख रहे हैं, तो लोग प्रसन्न हैं कि हाँ भाई, सुधार है। और एक जो दूसरा आयाम है, दूसरा पक्ष है, वो है हमारे आपके लोकतांत्रिक अधिकार। क्या हम सरकारी नौकरी में आ गए तो हमारा कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है। इस देश के हर नागरिक का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी ही चुनी हुई सरकार है। तो शिक्षकों के अपने लोकतांत्रिक अधिकार हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुचल नहीं सकता, कोई आधिकारिक आदेश कुचल नहीं सकता। एक अधिकारी का अच्छा होना, ईमानदार होना अपनी तरफ, लेकिन उसी अधिकारी द्वारा अगर ये कोशिश की जाए कि हम कर्मचारी शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकार कुचल दे, तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की तरफ। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि हमें ये देखना है कि उनके जो बेहतर प्रयास हैं उनमें उनके साथ खड़ा रहना है। अगर कहीं वो इन प्रयासों के आवेग में, आवेश में कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे शिक्षक या कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां सरकार निश्चित तौर पर खड़ी हो जाएगी। सब लोग निश्चित मानते हैं ना असित जी की, कहीं ना कहीं जो है वो कई ऐसे बड़े फैसले हो रहे हैं या फिर कई ऐसे फैसले हैं जिसने सरकार को भी असहज किया है और इस कारण सरकार को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा। दीपक भाई, वो कोई सरकारी आदेश नहीं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक अधिकारी का आदेश है, कोई सरकारी आदेश नहीं है। और जैसे ये देखा जाएगा, और देखा क्या जाएगा, आप देखें ना देखें, इस देश में कानून है भाई, कानून का राज है। मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कुचल सकते हैं, कोई ऑफिसर क्या खाक कुचल देगा, राष्ट्रपति नहीं कुचल सकते हैं। वो राष्ट्रपति भी इसीलिए है क्योंकि मेरे देश में कानून है और कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट भी के चीफ जस्टिस इसलिए चीजें आई है क्योंकि मेरे देश में संविधान है, कानून का राज है। तो इस देश में कानून का राज है और कोई भी किसी भी सामान्य आदमी के नागरिक अधिकारों को नहीं कुचल सकता। बात बड़ी सीधी है, शिक्षक कर्मचारी भी तो सामान्य नागरिक है ना। अनामिका जी, कई ऐसे फैसले हुए जिन फैसलों पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की, कहा कि तुगलकी फरमान है, तालिबानी फरमान है। शिक्षा विभाग, अगर किसी विभाग को, सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी विभाग है, अगर उसमें उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उन कड़े फैसलों में क्या आपत्ति है? दीपक जी, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी विचारधारा के साथ काम करती है और बिहार बेहतर हो, विकास करे, इसमें हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। और जहां तक KK पाठक जी की सनक यथा राजा तथा प्रजा वाली स्थिति है, जितनी सनक से भरे हुए हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उसी तरह के सनक से भरे हुए इनके अधिकारी भी हैं। आप KK पाठक जी, उस व्यक्ति के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने ये मोहम्मद बिन तुगलक की तरह चमड़े के सिक्के चलाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आपको याद है 1.5 महीने पुरानी बात है कि मोबाइल की
टॉर्च की रोशनी में बच्चे एग्जाम लिख रहे थे, आपको याद होगा दीपक जी, आपने डिबेट भी किया होगा उस पर। तो के पाठक जी कितना कितनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम कर रहे हैं और कितने मॉल बहुत अच्छे तरह से अतीश जी ने अपने बचाव करने की चेष्टा की। बहुत मुझे अच्छा लगा कि और जो आते हैं हमारे प्रवक्ता चीखते चिल्लाते हैं, अतीश जी ने बहुत बौद्धिक तरीके से और तर्क के तरीके से कोशिश की, पर तर्क जब तथ्य सही ना हो तो तर्क कितना भी बेहतर हो वो काम नहीं कर पाता है। अब ये कितनी विडंबना की बात है कि शिक्षकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा और जो पदाधिकारी है वो सरकार का एक हिस्सा है, कोई वो व्यक्ति विशेष और स्वतंत्र इकाई नहीं है, और अगर वो इस तरह के किसी भी तरह के निर्णय ले रहा है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी की ये बात है और वही पाठक जी से इस तरह की चीजें करा रहे हैं। और मैंने कल के डिबेट में भी कहा था वो लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं दीपक जी, वो देख रहे हैं शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में प्रभाव रखता है और जिसके कहने से समाज में चीजें बदलती हैं, विचारधारा बदलती है, वो वोट पर भी असर करता है। तो अभी से इतना प्रताड़ित कर देना चाहते हैं मानसिक रूप से उनकी छुट्टियां कम करके, दूसरे के समाज में किसी भी तरह की मानसिक जागृति लाने की अवस्था में ना रहे। और सीधी सीधी बात है वो लंबे समय से एक चेष्टा कर रहे थे, बीच में उन्होंने ओबीसी वाली चीजों को खड़ा करने की कोशिश की कि मैं पूरे देश में जनगणना कराने के लिए आंदोलन करूंगा, फिर उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा देश का प्रधानमंत्री बनने की कवायद में कि मैं तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरे बिहार में आंदोलन करूंगा। जब उन्हें दिखा कि ये सब सफल नहीं हो पा रहा है और वो सनातनी हिंदुओं को नहीं लड़ा पा रहे हैं, ना जातियों में बांट पा रहे हैं, तो वो यू टर्न लेते हैं, उन्हें लगता है कि जो मेरा 22 समीकरण है। और समस्या एक और है दीपक जी रूट में, वो समस्या ये है कि जो 22 इनका जो एम वाई समीकरण में जो मुस्लिम कट्टरपंथी वोटर आता है वो सब उसी हिस्से में से उनको लेना है, आरजेडी को उसी में से लेना है, कांग्रेस को उसी में से वोट लेना है और नीतीश जी को भी उसमें से वोट लेना है। तो इन्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा उनका रहनुमा बन जाऊं और हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगूं कि मैं उनके दिलों में बहुत अजीज हो जाऊं और वो मुझे अपने सिर आंखों पर रखें और मुझे ज्यादा वोट दें। उसी की कवायद है, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि जब सारे विश्व में हिंदू धर्मों की त्योहारों की छुट्टियां घोषित करने की बात की जा रही हो और भारत में आप देख लीजिए सऊदी अरब में, इंग्लैंड में, दूसरी जगह की रक्षाबंधन की छुट्टी दी जाएगी, दिवाली की रक्षाबंधन की छुट्टी के लिए हमें भारत में अपने मानव अधिकारों का उपयोग करके ये सब मांगना पड़ेगा आप शिक्षकों को, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और शिक्षक उसके साथ ही ये क्यों किया जा रहा है ये भी सोचनीय विषय है, क्यों नहीं वो तय करते कि सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वहां सीसीटीवी लगाएं कि वो समय पर पहुंचे और अपने काम करें। व्यक्ति इतना परेशान होता है, दर दर भटकता है, कोई अपना काम कराने आता है, वो क्यों नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री में ऐसा काम करते हैं, वो सारे के सारे दूसरे विभागों में इस तरह से क्यों नहीं करते हैं? इसका सीधा कारण है कि उन्होंने अब जब एक गलत फैसला ले लिया त्योहारों की, हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम करने का, तो उसकी लीपापोती करने के लिए वो इस तरह के सारे फैसले ले रहे हैं। कितना तुगलकी है कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी कह देगा तो उन शिक्षकों को नोटिस भेज देंगे। ये तो के पाठक जी, मतलब ये तो अलाउद्दीन खिलजी बन जाएंगे, ये तो औरंगजेब की तरह व्यवहार करेंगे। तो दीपक जी बिल्कुल भी इनका सही तरीका नहीं है और इसे मतलब ये हमारे ऊपर कोई दया नहीं है हिंदुओं के ऊपर या बिहार के बहुसंख्यक जनता के ऊपर कि वो हमारे ऊपर दया करेंगे और हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। जी शैलन जी, आप बताइए कि जिस तरह का अभी एक्शन हो रहा है, आज शिक्षक नेता पर भी एक्शन हुआ है, कल भी आपसे बात हुई थी और कई आपने मुद्दे बताए कि कई ऐसे आदेश के पाठक द्वारा लिए गए, शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए, जो बाद में वापिस लेने पड़े। कितने ऐसे फैसले हैं जो बाद में वापिस लेने पड़े? लगभग 8-10 फैसले हैं जो के पाठक जी ने प्रेषित किया था और निकाले थे, उनको वापस लेना पड़ा। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, जैसे बबिता, श्रीमती बबिता चौरसिया जी को बर्खास्त कर, नियोजित इकाई से भी, बीपीएससी से तो सिर्फ संगठन बनाने की बात हुई, संघ बनाने की बात हुई। देखिए दीपक जी और तिवारी जी भी इस सरकार के एक अंग हैं। मैं तो इनसे भी गुजारिश करता हूं कि वैष्णव और एस जयशंकर और राजकुमार सिंह के तरह इनको अब इनके पद से इस्तीफा देकर इनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए और बेहतर परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया, वही हालात होंगे। कल मनोज जी मेरे साथ थे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, और उनको आज स्पष्टीकरण दे दिया गया कि क्यों नहीं आप 24 घंटे के अंदर देते हैं तो क्यों नहीं आप पर आवश्यक कानूनी और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। क्या यही है लोकतंत्र की परिभाषा और यही महागठबंधन का सिद्धांत है क्या? ये तो तालिबानी हुकूमत का एक नमूना पेश कर रहे हैं। और मैं अपने ये मैं कह दूं, मैं सर जी डी पाटलिपुत्रा से रिटायर किया हूं और मेरा सर्विस बुक एजी ऑफिस से आकर इसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आज 2 महीने से लापता है।
पैसे की उगाही की जा रही हमारे जैसे लोगों से, पैसा दीजिए तो आपका सर्विस बुक मिलेगा। और वो भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहां के जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सब पैसे ऐंठ रहे हैं, घर पर बैठ के उपस्थिति बना रहे हैं, और जिस जिस स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं वहां से पैसे की उगाही कर रहे हैं। क्या यही है लोकतंत्र और यही है श्री के पाठक जी का प्रशासन? हाँ, शिक्षा में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नया सिस्टम डेवलप किए थे मैं उसकी सराहना करता हूं। शिक्षा में सुधार, गुणात्मक विकास के लिए, क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करने से गुणात्मक विकास हो जाएगा क्या? फिर वही चरवाहा विद्यालय लाएंगे क्या? फिर वही गुंडाराज? कल पुनपुन हॉल्ट पर इतना मार मारा एक शिक्षक को, चूंकि उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा अटेंडेंस पूरा नहीं होता है तुम सेंटअप नहीं होगे। करीब 100 लड़कों ने पूरा ट्रेन रोक कर और उस टीचर को लहूलुहान कर दिया। राजकुमार सिंह पेपर में भी आया और कोई बचाने वाला नहीं था। कहां गया के पाठक जी का लॉ अनुशासन और लॉ प्रशासन और सुशासन? कहां गया माननीय नीतीश कुमार जी का? शिक्षकों को अपमानित करने का बीड़ा उठाया इन्होंने छुट्टी के नाम पर। आप उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कीजिएगा। आपने 6.5 घंटा बच्चों के लिए आप अपने पत्रांक 334 कल ही के पत्रांक में आपने निकाला है परसों के, कि 6.5 घंटा छात्र के लिए और 8 घंटा शिक्षकों के लिए, क्या है? और वो भी चुनावी के लिए। आप, गर्मी पड़ती है जून जुलाई में और आप छुट्टी दे रहे हैं अप्रैल में क्योंकि चुनाव होगा। बहुत बड़े हिमायती हो गए हैं। और कल एक बोल रहे थे वो कि 60 दिनों का छुट्टी है। 60 दिनों का कहां छुट्टी है? 30 दिनों में छात्र के लिए है, शिक्षक के लिए नहीं है। ये कौन सा कानून ला रहे हैं? कौन सा शिक्षा में सुधार की बातें कर रहे हैं? सारे और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी असित जी से एक सवाल ले लेते हैं। अभी अनामिका जी, असित जी कह रही थी कि ये छुट्टियों पर जो चर्चा हुई, ये जो छुट्टियों की कटौती पर जो जितना विवाद हुआ, ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण है, ये तुष्टिकरण की राजनीति का कारण है और सरकार के फैसले इसमें शामिल है और उसमें उन्होंने आपको भी शामिल किया है, कांग्रेस को भी, जेडीयू आरजेडी के साथ आपको भी शामिल किया है, वोट भागीदार आप भी हैं। दीपक जी, आप ही लोगों ने खबर दिखाई थी, अखबारों ने ही छापा था कि छुट्टियां पूर्ववत हैं, एक भी छुट्टी कम नहीं हुई। भाजपा का काम है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना। भाजपा ने अपना काम वो कर लिया और इसके हिसाब से शिक्षा विभाग में भी हिंदू मुस्लिम का खेल भाजपा ने खेल लिया, जबकि छुट्टियों की सूची आपके पास भी है। कोई छुट्टी पहले से कम नहीं हुई है, जो छुट्टियां पहले मिल रही थी वो मिल रही हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन भाजपा ने एक रात में पूरे शिक्षा के माहौल को, स्कूल के माहौल को हिंदू मुस्लिम में बदल के रख दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सांप्रदायिक आधार पर बट गए हैं। भाजपा ने अपना काम कर लिया 47 में देश बांटकर, अभी समाज बांटकर। छुट्टी एक भी कम नहीं है, आप लोगों ने ये खबर दिखाई, पहली बात। दूसरी बात, जो सर कह रहे हैं कि शिक्षकों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, भयादोहन हो रहा है, शैलेंद्र सर, कोई ऐसा एक टीचर पूरे बिहार में उठा के बता दीजिए जो समय पर स्कूल जाता हो, क्लास लेता हो, उस पर कार्रवाई हुई है? मतलब जो जा रहा है स्कूल पढ़ा रहा है उस पर कार्रवाई हो जाएगी? के पाठक नहीं, के पाठक की 7 पीढ़ियों की हिम्मत नहीं है वैसे किसी एक टीचर पर कार्रवाई कर लेने की? क्या बात कर रहे हैं आप? तो कार्रवाई किस पर हो रही है? कार्रवाई कल ही कार्रवाई हुई है। दीपक भाई, 6 महीने से लेकर 2 साल तक स्कूल नहीं गए, शिक्षक के नेता बन रहे हैं आप? किस बात के नेता हैं आप? शिक्षकों ने उन्हें नेता माना क्यों? ऐसे निकम्मों को जो स्कूल एक दिन भी नहीं जाते हैं, यूनियन बाजी कर रहे हैं। शिक्षक नेता स्कूल जाया करते थे सर। मेरे दादाजी भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पूर्वी चंपारण के फाउंडर अध्यक्ष रहे हैं, स्कूल जाते थे शिक्षक, तब वो संघ की राजनीति करते थे। आज के संघ के राजनेता स्कूल जाते हैं क्या? बता दीजिए, क्यों नहीं होगा एक्शन? इनको राजनीति करने के लिए सरकार वेतन देगी, पब्लिक का पैसा लेके, जनता से टैक्स लेके ये घूम घूम के नेतागिरी करें, इसके लिए इनको वेतन दिया जाएगा? एक ऐसा टीचर शैलेंद्र सर बता दीजिए जो स्कूल जाता हो, क्लास लेता हो, उस पर कार्रवाई हुई है? हम कहेंगे कि तब अन्याय है और मैं पहला आदमी हूंगा जो के पाठक पर FIR दर्ज कराऊंगा आपके इस प्रोग्राम से उठते ही, चल के आपके साथ चलूंगा FIR कराने। मुझे एक टीचर बताइए जो स्कूल जाता हो, क्लास लेता हो, उस पर कार्रवाई हुई है? लेकिन निकम्मों के बचाव में अगर संघ उतरेगा तो संघ के नेताओं पर भी FIR होगा।
ठीक है असित जी, वेतन लेकर घूम घूम के नेतागिरी करने वालों के बचाव में जो उतरेगा उस पर भी मुकदमा होगा। स्कूल चलाना है सर, और भाजपा की पीड़ा क्या है जान लीजिए। भाजपा की पीड़ा है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर रही है तो इनके पूंजीपति मित्रों के प्राइवेट स्कूलों का नुकसान हो जाएगा। इनके पेट में ऐठन इसलिए है कि गांव गिराव के सुदूर गांव में भी टीचर भेजे जा रहे हैं, अब वहां भी पढ़ाई होगी तो गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो इनके लिए गमछा बांध के हाथ में पत्थर लेके घूमने वाला कहां मिलेगा। इन्हें तो अनपढ़ वो भीड़ चाहिए जो गमछा बांध के हाथ में पत्थर लेके घूमे, और अब ये देख रही है कि गांव में भी टीचर पहुंच गए तो परेशानी भाजपा को हो गई। सच्चाई यही है दीपक। असित जी सवाल यह है कि आपने अभी कहा कि एक रात में बीजेपी ने पूरे शिक्षा जगत को हिंदू मुस्लिम में बदल के रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि वो मौका नहीं दिया कि एक रात में हिंदू मुस्लिम क्या मौका दिया। कोई एक छुट्टी कम हुई है क्या बताइए? आप ही लोगों ने खबर चलाई कि छुट्टियां पूर्ववत हैं, लेकिन इन लोगों ने छोटे बच्चों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का जहर स्कूलों को बांट दिया। बताइए कैसे लोग हैं ये, कैसा माहौल बना रहे हैं, कैसी पीढ़ी गढ़ रहे हैं। अंदाजा है ये जो पीढ़ी जब बड़ी होगी जवान होगी तो क्या करेगी इस मुल्क का। पांचवी छठी क्लास के बच्चे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक दौर आ चुका है। और ये बच्चे जब बड़े होंगे क्या होगा इस मुल्क का अंदाजा भी है जी। अनामिका जी ये अलर्ट होने का वक्त है, सावधान हो जाने का वक्त है, और भाजपा के फन को कुचल देने का टाइम है, वरना डस डस के इस पूरे देश के रग रग में लोग जहर। अनामिका जी अभी जिस तरह से असित नाथ तिवारी जी कह रहे थे कि आप लोगों ने पूरे शिक्षा जगत का हिंदू मुसलमान करके हिंदू मुस्लिम करके मैंने सुना रख दिया है जी, जी दीपक जी सुना मैंने। आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे, आप लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है कि स्कूल में बच्चे बच्चे की जबान पे हिंदू मुस्लिम है। हाँ दीपक जी मैंने सुना, मुझे असित जी से बहुत तर्क वाली बातों की उम्मीद थी, मैं निराश हो गई। मुझे लगा कि तर्क तथ्य और सत्य के साथ वो बात करेंगे, पर मैं निराश हूँ। और उन्होंने तो हमें अभी के लिए नहीं कह दिया है, बल्कि वो हमें ले गए हैं कि हमारे कारण देश का बंटवारा हुआ। तो आतिश जी शायद आप, मुझे लगता है काफी शिक्षित व्यक्ति हैं, तो 1947 में तो भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। अगर बंटवारा देश का हुआ है तो हम शुरू करते हैं खिलाफत से, और याद हो आपको खिलाफत आंदोलन में जाने के लिए उस समय जिन्ना ने भी मना किया था, पर नेहरू जी को, और मैं गांधी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, पर खिलाफ उनके खिलाफत आंदोलन को लेके तुष्टीकरण वहां से शुरू होता है जब खिलाफत आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है वहां खलीफा से, और देश में खिलाफत आंदोलन किया जाता है उनके पक्ष में, और तब से शुरू होता है, जिसकी परिणति आज ये है कि हमास के समर्थन में भी इस देश में नारे लगाए जाते हैं एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जबकि वो खड़ी होती है इसराइल के साथ तब भी हम खड़े होते हैं, हमारे देश के तथा कथित बुद्धिजीवी और सेकुलर लोग खड़े होते हैं हमास के साथ, उसकी परिणति यहाँ तक है। और उसी बंटवारे की परिणति जिसमें नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था। पूरा बोलूंगी, पूरा बोलूंगी, पूरा बोलने दीजिए, मैं पूरा पूरा बोलूंगी। तिवारी जी आप बोल रहे थे मैं शांत थी, जब मैं बोल रही थी आप शांत थी, तो कृपया होकर मेरे तथ्य और तर्क को सुने तब बोलिएगा। कांग्रेस के साथ आप बोले ना, आपका ही तथ्य था, मैं स्वीकार, हमास के साथ नहीं खड़े थे, बलिस्तान के साथ खड़े थे, दोनों में फर्क सीखिए मिस्टर तिवारी। हमास के साथ अटल जी कभी नहीं खड़े थे। आपका आपके तर्क और तथ्य बहुत ही कुंद है, कुंद है, आप कुंद है, आप बहुत कुंद है, आप अपनी आपकी जानकारी बहुत क्षुद्र है। आपने तो अपनी जानकारी में अभी ऑन कैमरा कहा है कि हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी के कारण, आपने कहा तिवारी जी जब आप बोल रहे थे तब मैं शांत थी, जब आप बोल रहे थे तब मैं शांत थी, तो आप शांत रहे। मैं तथ्य को बिल्कुल नहीं छुपा रही हूँ, मैं तथ्य को बिल्कुल, मुझे खड़े रहने दीजिए, मुझे बोलने दे तिवारी जी, मुझे बोलने दे तिवारी जी, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी जब तिवारी जी बोल रहे थे तब मैं शांत थी, उनसे कहे कि वो भी अनुशासन का परिचय दें। जब तिवारी जी बोलना बंद करेंगे तब मैं बात करूंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को लिखित भरोसा दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल डालेंगे। वो लिखित आपके पास हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा, आप मुझे जरूर दिखाइएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप मुझे जरूर दिखाइएगा। आपने तो कहा कि बिहार के शिक्षा जगत को, शिक्षा की बात पर अगर हमास की चर्चा करनी है तो अटल बिहारी वाजपेयी। तिवारी जी क्या तरीका है, मैं हमास की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आपने आपने भारत के बंटवारे की बात की। क्या क्या दीपक जी भारत के बंटवारे के समय भारतीय जनता पार्टी थी? क्या भारत के बंटवारे के समय भारतीय जनता पार्टी थी? आपने ऑन कैमरा बोला है, 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 आपने ऑन कैमरा बोला है कि हमने देश का बंटवारा कराया, हमारे यहाँ से बंटवारा करा के कौन प्रधानमंत्री बन गया आपके यहाँ?
नेहरू जी बन गए और हिंदुओं की छुट्टियां आप रद्द करें, नीतीश जी रद्द करें, दीपक जी मुझे बोलने देंगे तब तो। नीतीश जी आप कितने असभ्य और अनुशासनहीन लोग हैं भाई, आप किस बेचैनी में, आप किस बेचैनी में कश्मीर के हिंदुओं को विस्थापित कर दिया? क्या आप कश्मीर बनाना चाहते हैं बिहार को? फिर से छुट्टियों से शुरुआत करके बिहार को कश्मीर बनाना चाहते हैं, तालिबान बनाना चाहते हैं आप? तालिबान और कश्मीर बनाना चाहते हैं तिवारी जी? आपको तो इतना भी अनुशासन नहीं कि एक महिला बोल रही है तो उसको बोलने दें? आपको तो इतना भी अनुशासन नहीं कि एक महिला को अपने विचार रखने दें? कौन सी लोकतांत्रिक बातें कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले? जहां भूमि शांति आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे? आप लगातार बोले जा रहे हैं दीपक जी, ये सही तरीका नहीं है, ये डिबेट करने का सही तरीका नहीं है, ये निहायत ही सतही तरीका है। आप तरीका बिल्कुल, आपके जो तथ्य हैं बहुत कुल हैं, आपके कुल हैं आपके तथ्य। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बंटवारा कराया, भारतीय जनता पार्टी आपके तथ्य कुल है, ये तो कुल है आपके तथ्य। असी जी आपसे रिक्वेस्ट है, नामी आपके तथ्य कुल है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बंटवारा कराया। मेरी बात होने दीजिए प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ की अभी बिहार जगत पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग वहीं पे रहे, इजराइल और हमास की चर्चा बाद में कर लेंगे। फिलहाल शिक्षा जगत की बात हो रही है कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, आप लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया? बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा है दीपक जी। जी जी मैं इसी पर बोल रही हूँ, विषय से विषयांतर तिवारी जी हुए थे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने, आप एक चीज बताइए, हाँ दीपक जी मुझे एक तथ्य बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी हिंदू जो त्यौहार है उनमें कटौती करें और हम उसे मुद्दा बनाएं? क्या के पाठक हमारी तरफ रहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? कटौती रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए पुनर्विचार करेंगे, मेहरबानी करेंगे हिंदुओं पर, बिहार के बहुसंख्यकों पर मेहरबानी करेंगे? क्या वो 2 अक्टूबर की छुट्टी को खत्म कर देंगे? गांधी जी की विचारधारा की बात करने वाले, शराबबंदी की बात करने वाले नीतीश जी, वो लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, वो प्रयोगशाला में टेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू कहां तक उबल के आता है, और वो तुष्टीकरण कर रहे हैं कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों का। किशनगंज में जो नारे लगवा के पाकिस्तान जिंदाबाद के हिंदुओं को क्या समझ लिया है कि उनके साथ जैसा चाहे बर्ताव करें? शिक्षक भारतीय समाज में एक पूजनीय व्यक्ति होता है, और अराजकता की यह स्थिति आज के पाठक उन सारे बच्चों को निलंबित करें, स्कूल से हटा दें, कॉलेज से हटा दें जिन्होंने मारपीट की एक शिक्षक के साथ, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि के पाठक एक मोहरा है नीतीश जी की सनक भरी सनकों को पूरा करने के लिए। जैसे नीतीश कुमार जी एक सनकी व्यक्ति है, वैसे ही वो एक सनकी प्रशासनिक अधिकारी है। कौन सी गुणवत्ता उन्होंने बिहार की शिक्षा में लाई है मुझे बताएं। अनामिका जी का आखिरी रिएक्शन, जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मौलिक अधिकारों की बातचीत आपने भी की असित जी, और कहा कि जहां पे गलत होगा आप उसका विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं, क्या आप सहयोगी पार्टी हैं सरकार से नीतीश कुमार से इस बारे में बात करेंगे कि ये तमाम ऐसे विभाग के फैसले जो है वो राजनीतिक मुद्दे क्यों बन रहे हैं, ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए तथ्य को छुपाया कैसे जाता है अनामिका जी, मैं अब यहाँ पोल खोल रहा, इन्होंने रक्षाबंधन की छुट्टी का नाम 10 बार से ज्यादा लिया, लेकिन रमजान के आखिरी जुमे की छुट्टी भी रद्द की गई है, 1 बार भी चर्चा नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नामिका जी, तथ्य नहीं, आप कथ्य पर चर्चा कर रहे हैं। क्या जुमे में भी छुट्टी देंगे आप? क्या शुक्रवार को भी छुट्टी देने का इरादा है? मुझे याद है रमजान में शुक्रवार को जल्दी छुट्टी दे दी गई थी दीपक जी, ये बीच में बोल रहे थे दीपक जी मैंने इन्हीं से सीखा है, दीपक जी मैंने इन्हीं से सीखा है, दीपक जी मुझे मैंने इन्हीं से सीखा है इस तरह से बात करना, मैं बहुत सभी तरीके से डिबेट करती हूँ, इनकी भाषा में इन्हें जवाब दूंगी। रमजान में नवरात्रि के त्यौहार में दीपक जी जल्दी नहीं भेजा गया? सारे सरकारी लोगों को फलहार के समय उस समय रोजी में जल्दी भेजा गया? दीपक जी आप कह रहे हैं इसलिए चुप हो रही हूँ, दीपक जी मैं भी इनकी तरह अनर्गल प्राप्त नहीं करना चाहती। रमजान की छुट्टी, ईद के त्यौहार में आप 3-3 दिन की छुट्टी देंगे, आप कृष्ण जन्माष्टमी खत्म कर देंगे, कृष्ण जन्माष्टमी खत्म कर दिया आपने, आपने विषय पे बात की थी, आप व्यक्तिवाद आपने शुरू किया था, आपने शुरू किया था तिवारी जी, आपने की क्योंकि हमास से आपको प्रेम है, हमने हमास, अरे हमास कितना रिश्ते, हमें हमेशा रिश्तेदार लगता है कांग्रेस का, जो इतनी तकलीफ होती है, हमास नहीं क्लियर था, आप इतना क्यों तकलीफ में है, आप इतना तकलीफ में क्यों है? अरे अंग्रेज के जो वायसराय की जो पत्नियां थी उनको भोज नेहरू जी कराते थे और प्रिय हमें हो गए, पूरे देश को पता है कि पूरा अंग्रेज और उनके घर की महिलाएं कितनी प्रिय थी नेहरू जी को, ये पूरा विश्व जानता है कि उनके परिवार कितने प्रिय थे, बहुत सारे फोटो हैं आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे, अंग्रेजों की बनाई अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बना चैलेंज 3 तारीख को ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों का महाजुटान हो रहा है, उस महाजुटान में क्या होगा? महाजुटान में उनका कार्यक्रम है, पहले तो ये राजनीतिक
लोगों के खिलाफ बातें होगी। और मैंने कहा ना कि इनको इस्तीफा दिलवाकर शिक्षा मंत्री बना दीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी कहीं नहीं है। डिसीजन कौन ले रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये कांग्रेस के तिवारी जी और ये भाजपा की अनामिका बहन, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भेंट शिक्षक चढ़ रहे हैं। उर्दू और हिंदी का शिक्षकों का दो पैनल निकाला गया अवकाश तालिका, ये तो सांप्रदायिकता की बू आ रही है। इन पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार खेल खेल रही है। उर्दू की दो, एक उर्दू की अवकाश तालिका निकली है और एक हिंदी की अवकाश तालिका निकली है, तो इसका मतलब है हिंदू और इस्लाम, ये तो सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा में गुणात्मक विकास की बात करते हैं और शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। सर नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर अविलंब एक्शन लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी शिक्षकों की छीन ली गई। कल एक कार्यकारी अध्यक्ष आकर, जो मनोज जी का एक इतिहास है, शिक्षकों के हित के लिए संघर्षशील व्यक्तित्व है उस आदमी का, प्राथमिक शिक्षक संघ में, उस आह्वान पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये देख लीजिए। जब उनके खिलाफ बातें हुई है, उतना पंचुअल अभी बिहार में कोई टीचर नहीं है मनोज कुमार जैसा। दो दो बार अवार्ड की घोषणा हुई, कहे कि नहीं दूसरे को दीजिए, और उनके साथ बर्खास्तगी हो गई थी एक मुस्लिम शिक्षक का, और दोनों वापस लेना पड़ा। और आज अभिव्यक्ति की आजादी उनके साथ थी छुट्टी पर बोलने का, तो उनको आप स्पष्टीकरण करके बर्खास्त कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपसे जवाब चाहता हूं। आप राजनीतिकियों के चलते शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जहां चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय बनाने की बात आप राजनीतिक लोग करते थे, और नियोजन का काम आपने किया है, शिक्षकों की इकाई को समाप्त करने का आपने, आप लोगों ने किया है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे महागठबंधन की हो। और सुशील मोदी आज हाशिए पर क्यों है? उन्होंने कहा था कि पेंशन और वेतन मान भगवान भी आएगा तो नहीं देगा। तो शिक्षक तो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं, और उसमें पदाधिकारी अपना रोटी सेक रहे हैं। चलो जी, मैं आखिरी रिएक्शन असीत जी से ले रहा हूँ। असीत जी से आपसे भी एक सवाल पूछा था, और पॉइंट टू पॉइंट उसका जवाब चाहता हूँ। कि जो आपने भी कहा कि जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो आप उसका विरोध करेंगे, आप सरकार में सहयोगी पार्टी हैं, क्या सरकार से, मुख्यमंत्री से इस पर आप लोग सीधी बात करेंगे? देखिए दीपक जी, अब तक उनके कुल 13 फैसलों में सरकार ने हस्तक्षेप किया, और उन्हें अपने आदेश वापस, फैसले नहीं आदेश, ऑर्डर देता है, अपना ही ऑर्डर वापस लेना पड़ा है। हम जैसे ही देखेंगे कि किसी के मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार निश्चित तौर पर दखल देगी और एक्सक्यूटिव ऑर्डर वापस होगा। निश्चिंत रहिए, नागरिक अधिकारों का हनन इस देश का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, पदाधिकारी क्या खाक करे। जाहिर सी बात है कि अब मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। आप देखना होगा कि जो आदेश के पाठक अगर निकाल रहे हैं, अगर वो अनुचित है, उस पर सरकार और मुख्यमंत्री का क्या एक्शन होता है। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। असित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।